चाहूंगा कि जोन जो है वो कुछ अंगड़ाइयां ले, कहीं वो सदर्न साइड में जाए और भी ज्यादा चैलेंजिंग जो मैचेस हैं वो हमें यहां पर देखने को मिले। बट वहीं अगर हम बात करें टीम रेवनेंट की, नोवा रेपनॉय के रीजन को ही प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आएंगे। टीम सेवन सी वो भी अपना जो प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन रहता है उसी के आसपास जाते हुए बात करें, वो है टीम एक्सपाक जो हमें नजर आ रही है वाटर सिटी से अपनी लूट की शुरुआत करते हुए। आराम से लोग लूटेंगे यहाँ पर, आप देखिए हर एक प्लेयर को, जैसे कि आपने बात करी, जिसको जो वेपन चाहिए जैसा वेपन चाहिए उनको मिल जाएगा। वाटर सिटी अकेला ही एरिया नहीं होता है, यहाँ से रूइंस तक भी हमें प्लेयर जाते हुए नजर आते हैं। अपनी लूट का दायरा जो है प्लेयर को बचाना तो मुश्किल ही बन चुका है। एंड क्लच गॉड के हिस्से में वो फर्स्ट पिक आता हुआ, जो फिनिश है वो जी गॉड ही निकालेंगे यहाँ पर आराम से। बिल्कुल, थोड़ा चैलेंज वहां पर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी स्किल्स के द्वारा, बट इजी वहां पर जो फिनिश है वो सिक्योर किया गया और अब टीम पर दिया गया है। लो एचपी पर जेली को लेकर के आ चुके, बट जेली भी काम आने वाले हैं, बिल्कुल आगे जाएंगे उन्हीं के ऊपर यहाँ पर प्लेयर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए गोलियां काफी ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया गमला बॉय ने और उनको डैमेज देने की कोशिश, इनफैक्ट यहाँ पर उनको नॉक किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा। स्काईलाइट्स के प्लेयर्स पहला पिक निकालते हैं, बट ओआर जेली decisions, mistakes. Well, was it a mistake or not? देखना पड़ेगा क्योंकि ग्रेनेड दोनों साइड से किया जा रहा है। आदित्य ने ग्रेनेड पहले खोला था लेकिन यहाँ पर सोमराज की एचपी देखिए बहुत ज्यादा लो की जा चुकी, उनको पीछे हटना पड़ेगा। ग्रेनेड उनके ऊपर आया था, बट वेल साइड लाइन से प्लेयर्स आ रहे हैं, एक और प्लेयर को यहाँ पर डाउन किया जाएगा। स्काईलाइट्स के प्लेयर्स ये फाइट हारते हुए नजर आ रहे हैं, ओआर के प्लेयर्स सीधा चढ़ चुके हैं। ये बदला है जेली को पिक किए जाने का, एंड लुक्स लाइक दे गोना हैव इट। पुकार आखिरी प्लेयर बचे हैं, बट ऐसा लगता नहीं है ज्यादा देर तक बचे रहेंगे। देखिए अभी वो जहां पर मौजूद है पोजीशन जो है वो उनकी रिवील्ड आउट है नहीं। आदित्य कहीं ना कहीं उनको एक यू नो आइडिया जरूर से होगा कि ऐसे टाइम में जो टीम से यूजुअली वो 1-3 का स्प्लिट रखती है, जहां पर एक जो खिलाड़ी है वो उसी पोजीशन पे होता है जहां पर अभी हमें पुकार देखने को मिल रहे हैं। मीनवाइल आप यूडॉग को देखिए, वो भी यहां पर हमें चर्च के एरिया पे आते हुए नजर आ रहे। टीम एक्सपार्क की बात करें, उनके पास भी ये इंटेल है कि यहां पर ऑलरेडी एक फाइट जो है ब्रेक हो चुकी है। यूडॉग फिलहाल इस फाइट से काफी ज्यादा अपने आप को दूर रखते हुए नजर आएंगे। एंड मीनवाइल जो जोन है वो भी श्रीकोदा स्टार्ट हो रहा है, तो अगला सर्कल भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। काफी सारी गतिविधियां यहां पर होती हुई, बट स्काईलाइट गेमिंग की आखिरी उम्मीद पुकार जो है वो यहां पर जरूर से सर्वाइव कर, अभी के लिए हैदराबाद हाइड्रास के एस ब्लैक को यहां फिनिश कर सकते हैं काफी आराम से। देखिए वो जो फिनिशेस है वो आ सकते हैं, लेकिन यहीं पर ओल्ड हुड के ही प्लेयर थे सुल्तान, जिन्होंने आई गेस अपनी डीपी स्कलाइजेशन करते हैं। मीनवाइल ओल्ड हुड के सुल्तान जिन्होंने वो फिनिश सिक्योर किया था वो अभी लूट करते हुए नजर आएंगे। एनकोर जो है वो वहां पर थोड़ी मुसीबत में जरूर से देखने को मिल रहा है, बट मीनवाइल टीम गॉडलाइक जो है वो भी यहां पर आएंगे एंड कुछ फिनिशेस निकालने की कोशिश। पहला फिनिश उनके पास ऑलरेडी जा चुका है, चारों खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए। टीएसजी के निखिल जो है वो डाउन किए जाएंगे ओल्ड हुड के आयुष के द्वारा, तो आइड नदन रोटेशन देते हुए जा रहे हैं एंड वो जरूर टीम हैदराबाद हाइड्रास एंड टीएसएम इनकी फाइट हमें देखने को मिल सकती है। टीएसएम के पास लास्ट टाइम भी जोन ने बच्चों की तरह स्प्रे किया वहां पर और पूरी टीम को बाहर किया। आप सोचे कितना बेहतरीन गेम प्ले उस प्लेयर की तरफ से देखने को मिला। यहां पर टीम एक्सपा के अल्टोन को पिक जरूर किया जाएगा, ओआर के प्लेयर्स भी बचे, बट सुल्तान विदाउट एनी एफर्ट एक्शन में पिक निकाला। लेकिन साइड लाइन की बात करें तो आप देखिए मावी यहां पर इवो को पिक करते हैं, नजर जरूर आएंगे, बट वो फिनिश अभी तक उनके हिस्से में आया नहीं है। और टीम एक्सपाक ये गेम अच्छा बनाना चाहते हैं, गिल धीरे धीरे आगे जाना, उनके आदित्य के साथ फाइट हो सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी फाइट हमें देखने को मिल सकती है। गिल को साइड से गोलियां पड़ेंगी, एक्सो के फियर्स जो थे वो गिल को पिक करते नजर आएंगे। अब स्काउट और मावी के ऊपर बहुत ज्यादा भार आ चुका है। एक्सो के फियर्स अपने लिए एंगल्स बनाने की कोशिश उनकी तरफ से भी, उन्होंने सामने स्मोक किया, जरूर स्मोक के साथ मे बी वो रिच के अराउंड खेलना चाहेंगे। स्काउट गाड़ी में बैठ चुके हैं, शायद गिल तक पहुंचने की उनकी कोशिश हो सकती है, लेकिन ये ग्रेनेड जो है फियर्स का ऑल राइट अपने मार्क को मिस करेगा बाय अ बिग मार्जिन और खुद बिल्कुल सामने उन्होंने ग्रेनेड कर दिया। नो व्हाई ही डिड दैट, बट मावी को स्पॉट करना काफी इंपॉर्टेंट यहां पर चैलेंज रहेगा। सुल्तान को डाउन किया जाएगा मीनवाइल ग्रेनेड के द्वारा और अब गिल को बचना है, क्या वो बच पाएंगे क्योंकि वो अभी भी दूर हैं और ईवो आदित्य तक जाते हैं और वहीं पर रेमिनेंट के प्लेयर्स होल्ड हुड पर चार्जिंग कर रहे हैं। क्रेजी इज लास्ट मैन सर्वाइविंग, इज ही क्रेजी? वेल यस ही वाज, बट नॉट अ लॉट, क्योंकि उनको यहां पर पिक करके बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। टीम रेवरेंट एक बार फियर्स जो है वो यहाँ पर पूरा जो दामोदार है उनके ऊपर आ चुका है। ओआर के आदित्य को डाउन किया जाएगा जॉनथन के द्वारा, एग्जोकेशन से जो है वो टैक्टिकल किट को फिनिश ऑफ करेंगे, सारंग डाउन होंगे। टीएसएम निंजा जॉर्ज के द्वारा टैक्टिकल के हिटमैन जो है उनके पास एक छोटा सा कवर हमें देखने को मिल रहा है जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बट अब वो फाइट यहाँ पर ब्रेक डाउन होते नजर आएंगे। टीम एक्स पार्क जो है वो आगे की तरफ जाती है, लेकिन ईवो वहां पर वो डिनाई करते हुए डेथ को एंड अभी भी वो सर्वाइव कर रहे थे, बट फाइनली उनको फिनिश ऑफ किया गया। ओआर ई स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा। टीम एक्स पार्क अपने दो खिलाड़ी
बोलते हुए स्काउट एंड अल्ट्रॉन दोनों खिलाड़ी फिनिश ऑफ हो चुके हैं और अब एक लंबा फासला तय करना है जोन के अंदर जाने के सी वेल दिस मैन रिफ्यूजेस टू डाई राइट नाउ ही स्टिल सर्वाइविंग नाउ ही गोस डाउन और ही स्पोर्ट्स पूरा गेम अपने हाथों में लेकर के बैठी है लेकिन वहीं पर टीम एक्सपा के एलिमिनेट करेगी एक्सो को रॉक्सा का ग्रेनेड जाता है रेकनिंग के प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाते हुए रेकनिंग आते सर्वाइविंग वेल यस यार यस एक्सो ने यहां पर जरूर से टीम एक्सपा को एलिमिनेट किया है एंड यहां पर अगर हम बात करें टीम गॉडलाइक की वो टीम आर ई स्पोर्ट्स की मुश्किलें जरूर से बढ़ा रहे रेकनिंग ई स्पोर्ट्स का भी सफाया हमें यहां पर देखने मिलता हुआ आर ई स्पोर्ट्स ओपन एरियाज में जरूर से मौजूद है टीम गॉडलाइक की बात करें एक बार फिर से चारों प्लेयर्स इनके सरवाइव करते हुए लेकिन सदर्न पार्ट पे आप देखिए जो खतरा है वो अभी भी यहां पर बरकरार गॉडलाइक जोनाथन यहां पर एक पिकनिक पे हमें नजर जरूर आएंगे जादू आर ई स्पोर्ट्स के अभी भी फाइट्स में विराजमान बट सर्कल को कुछ और ही मंजूर है जोन के शिफ्ट नॉर्दर्न साइड को जा रहे हैं आर ई स्पोर्ट्स एलिमिनेट हो जाती है टीएसएम के द्वारा एंड टीएसएम को आप देखिए वो अभी भी हमें जोन के अंदर देखने को मिलेंगे एक अच्छा एरिया हमें उनके पास देखने को मिलता हुआ इनफैक्ट इकलौती ऐसी टीम जिनके कुछ खिलाड़ी यहां पर एक्वायर कर चुके हैं गॉडलाइक के प्लेयर्स को दिक्कत नहीं कुछ लेकिन एकोनॉक्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत शॉट आया पीछे रेवरेंट के प्लेयर्स जो है वो दिक्कत है इनको देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं स्काईलाइट्स के प्लेयर्स को भी यहां पर एलिमिनेट किया जाएगा टॉप फाइव में स्काईलाइट्स की एंट्री हुई थी लेकिन उसके आगे ये प्लेयर नहीं जा पाए उनका एलिमिनेशन आप देख सकते हैं रेवरेंट के प्लेयर्स धीरे धीरे आगे की तरफ को मूव इन कर रहे हैं गॉडलाइक के प्लेयर्स भी वहीं पर विराजमान हमें नजर आ रहे हैं पॉइंट पर यहां पर निंजा आप देखिए डैमेज नहीं कुछ वो गाड़ी को इनफैक्ट वो ब्लास्ट आउट करना चाहते हैं गॉडलाइक के प्लेयर्स बिल्कुल सामने हमें नजर जरूर आ रहे हैं शैडो एक्सो के इमॉर्टल को यहां पर पिक जरूर करेंगे एक्सो के इमॉर्टल को यहां पर फिनिश करने की बारी भी शैडो के हिस्से में और ये नौवां फिनिश इस टीम के पास जाता हुआ चार टीम अभी भी जीवित टीएसएम गॉडलाइक के चारों प्लेयर्स एक्सो का इकलौता और रेवरेंट के दो प्लेयर्स और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गॉडलाइक वेल दे आर स्पॉटेड और अगर वो उठिंग में खिलाड़ी मौजूद जरूर से है और साथ ही साथ जोन एक बार फिर से टीएसएम के चरणों में जाता हुआ जोन हमें देखने को मिलेगा चारों खिलाड़ी सरवाइव करते हुए हाइट के एडवांटेज में इकलौती टीम है वो हमें टीएसएम के स्क्वाड देखने को अभी मिल रहे हैं लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी सेंसे की भी जिस तरीके से वो यहां तक अपनी टीम को लाए हैं टॉप फोर में आ चुके हैं और देखते हैं कि कितना और पोजिशन पॉइंट जो है वो यहां से आगे लेकर के जा सकते हैं बट मीनवाइल प्लेज आएंगे क्लच गॉड के ऊपर स्प्रे जाएगा वहां पर क्लच गॉड डाउन और जैसे ही वहां पर कोई खिलाड़ी मूव करेगा देखिए पहली बात तो स्मोक करना वहां पर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एक चीज बन जाती है क्योंकि अगर आप ओपन में आएंगे हाइट का इतना अच्छा एडवांटेज है टीएसएम के पास और उनको एग्जैक्टली पता है लोकेशन कि अगर आप हल्की सी भी पीक देंगे तो पनिश किए जाएंगे डेफिनेटली पनिश किए जाएंगे और उसी चीज की कोशिश यहां पर हो सकती है आप देखिए गॉडलाइक के प्लेयर्स अगर हम लोग उनकी बात करें दे हैव वेरी गुड एरिया बट जोन के बाहर अगेन वही जो लो ग्राउंड की बात करी थी पहले के लिए काफी अच्छा था बट जोन के बाहर होना ही कहीं ना कहीं गॉडलाइक का डिमाइज बन जाता है शैडो एक और प्लेयर को यहां पर पिक करेंगे इनफैक्ट एक और प्लेयर को यहां पर स्पॉट किया जॉनसन के ऊपर शॉट्स दिए गए जरूर गए थे प्लेस उनको पिक करेंगे गॉडलाइक का बैड लक यहां पर सर्कल बन चुका था जोन के बाहर रहना काफी खराब सेंस है वो तो अभी कोशिश कर रहे कैसे टॉप थ्री के लिए सर्वाइव कर सके लेकिन उनको भी स्पॉट यहां पर किया जाएगा एक प्लेयर की मूवमेंट देखिए और उसी को पिक किया गया शैडो अपने लिए पांचवा फिनिश ले चुके हैं दिस प्लेयर इज ऑन द रैम्पेज राइट नाउ टीएसएम ये टीम नहीं रुकना चाहती टीम सोलो मिड एक और एरेंगल अपने नाम करना चाहती है इन सब चीजों के बीच में ये देखिए रेवेनेंट के भी ऊपर चढ़ना चाहते हैं फाइट लेना चाहते हैं प्लेस ऑन लेकर के जाएगा गॉडलाइक के नियो को 12 फिनिशेस ऑलरेडी हैं अगले फिनिशेस और इनके सामने आ सकते हैं वहीं पर प्लेस सपोर्ट किया जाएगा एक और मेरे को यहां पर पिक करके शैडो इज दिस मैन अ मैडमैन इज दिस मैन अ मैडमैन ही इज रेडी फॉर द फाइट एंड टीएसएम इज रेडी फॉर द विन वेल दे माइट जस्ट विन इट ऑल एक और एंगल अपने नाम ओह माय गॉड वो रिएक्शन मैंने देखा